इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में भारतीय दूतावास में घुसे तालिबान, तालिबान ने वहां पर दस्तावेज खंगाले, कैंपस में खड़ी कार भी अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने काबुल के अलावा हेरात में भारतीय मिशन में ली तलाशी। अफगानिस्तान के मशहूर खिलाड़ी कीमिया यूसुफी ने ईरान में शरण ली, टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की ध्वजवाहक थी। अभी ईरान की शरणार्थी शिविर में ही है कीमिया यूसुफी। तालिबान आतंकियों के डर से अपने देश नहीं लौटना चाहती। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने से हुई मौत मामले में खुलासा, मारा गया शख्स अफगानिस्तान का फुटबॉल खिलाड़ी जाकी अनवरी था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में घुसा तालिबान, अफगानिस्तान का पूर्व क्रिकेटर अब्दुल्ला मुजारी भी था साथ। पीएम मोदी ने तालिबान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, कहा कभी स्थायी नहीं हो सकता है आतंकवाद। पीएम मोदी ने कहा आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार उठ खड़ा होगा सोमनाथ मंदिर। पीएम मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर दुनिया के लिए भरोसा, तोड़ने वाली शक्तियों का अस्तित्व नहीं होगा स्थायी। सोमनाथ को पीएम मोदी ने दी सौगात, सोमनाथ समंदर दर्शन, पैदल पथ और सोमनाथ म्यूजियम का भी उद्घाटन। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा आजादी के 75वें साल में और भव्य दिखेगा सोमनाथ मंदिर। अफगानिस्तान में फंसे और भारतीयों को निकालने की तैयारी, वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा ताजिकिस्तान, काबुल लैंड करने की अभी तक नहीं मिली इजाजत। लैंडिंग की मंजूरी मिलते ही C-17 से भारत लाए जाएंगे 280 लोग, इसमें 220 भारतीय और 60 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल। वायुसेना का एक विमान हिंडन एयरबेस पर भी तैनात, वायुसेना विमान के काबुल में लैंडिंग के लिए नाटो सेनाओं के साथ कर रही है तालमेल। काबुल गुरुद्वारा कमेटी संघ तालिबान ने मीटिंग की, कहा हिंदुओं और सिखों को नहीं किया जाएगा परेशान। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी ने दिया विवादित बयान, तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की, कहा भारत की महिलाओं की हालत पर चर्चा क्यों नहीं। ओवैसी ने पूछा अखलाक पीलू खान तबरेज की पत्नी की चर्चा क्यों नहीं होती, इन्हें भी भीड़ के हाथों मौत हुई थी। समाजवादी पार्टी हबीबुर रहमान के बेटे ने भी तालिबान की तारीफ की, कहा अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए तालिबान जिम्मेदार नहीं। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जान बचाने के लिए अमेरिका के सुरक्षा बलों के हवाले किया। बच्चों को अपने हाथ में लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े अमेरिकी जवान, दीवार पर लगी कटीली तार के बीच मासूमों को ले गए अंदर। काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, अमेरिकी सैनिकों की नजर पड़ने के लिए बच्चों को हाथ में उठाया। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी आज भी जारी, देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे लोगों पर तालिबान लड़ाकों ने की फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी भारी भीड़, एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे हजारों लोग, एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल। तालिबान के खिलाफ लोगों में बगावत तेज, अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने फहराया 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय झंडा, अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। काबुल के अब्दुल हक चौराहे पर एक शख्स ऊंचे पोल पर चढ़ा, तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान का झंडा लहराया। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में निकली रैली, तालिबान लड़ाकों के सामने महिलाओं ने झंडे के साथ निकाली रैली। जगह जगह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देख बौखलाए तालिबानी, एक शख्स से झंडा छीनकर उसकी पिटाई की। जगह जगह राष्ट्रीय झंडे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तालिबान लड़ाके, एक कार को रोककर झंडा छीना, कार सवार की पिटाई की। एक महिला ने राष्ट्रीय झंडा छीने जाने का विरोध किया, राष्ट्रीय ध्वज को चूमा, कहा इसे मेरा कफन बना दो। तालिबान टेरर के कारण काबुल से लोगों को निकालने के मिशन में अड़ंगा चाहता, गब से अभी तक केवल 7,000 सिविलियंस पहुंचे अमेरिका। फिर आए अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर से हैरान करने वाली तस्वीर, एक विमान में सैकड़ों लोगों रवाना हुए। काबुल से रेस्क्यू किए गए सैकड़ों अफगान नागरिक पहुंचे कतर, अमेरिकी फौज ने कतर के एक हैंगर में रखा, हैंगर में सैकड़ों लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भारत ने आतंकवाद पर दुनिया को चेताया, विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, का आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इससे समझौता नहीं करना चाहिए। एस जयशंकर ने भारत में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा, कहा भारत लंबे समय तक सीमा पार आतंकवाद का कर रहा है शिकार। जयशंकर ने कहा कोरोना और आतंकवाद एक जैसे, जब तक सब सुरक्षित नहीं होंगे कोई सुरक्षित नहीं होगा। अफगानिस्तान की हालत पर नेटो की आज इमरजेंसी मीटिंग, 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक हुई, काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को लेकर चर्चा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की कोशिश जारी, तालिबान के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी होंगे शामिल। तालिबान प्रवक्ता ने कहा हम दूसरे देशों से चाहते हैं अच्छे संबंध, अपने देश की धरती का आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने तालिबान का खुलकर किया समर्थन, कहा जरूरी हुआ तो तालिबान सरकार से करेंगे बात। रूस के विदेश मंत्री ने कहा तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन तालिबान से मिले हैं सकारात्मक संकेत।
अगले 15 दिन के अंदर होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 नए मंत्री होंगे शामिल। कल रात गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में कैबिनेट विस्तार पर लगी मुहर। बैठक में सीएम योगी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। बीजेपी की बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी थे मौजूद। निषाद पार्टी के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद पार्टी को दिए जाने वाली सीटों पर हुई चर्चा। यूपी चुनाव में गठबंधन कर सकती है बीजेपी और जेडीयू। जेडीयू का दावा, बिहार से सटे यूपी की 2 दर्जन सीटों पर पार्टी का प्रभाव। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू ने पार्टी और सरकार में तालमेल के लिए 10 सदस्यों की पॉलिसी ग्रुप बनाए। अमरिंदर सिंह करेंगे अध्यक्षता। आज सुबह अमरिंदर और सिद्धू के बीच बैठक के बाद ग्रुप का हुआ ऐलान। ग्रुप में सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल। पंजाब कांग्रेस भवन में मंत्रियों के रोस्टर के बैठने के प्रस्ताव पर हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की तस्वीरें। सोनिया गांधी ने आज बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक। शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता वर्चुअली शामिल होंगे। संजय राउत ने कहा सोनिया की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। आरजेडी में बड़ा विवाद। तेज प्रताप बोले प्रदेश अध्यक्ष जगानंद पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में वो हिस्सा नहीं लेंगे। तेज प्रताप के बयान पर बोले जगदानंद सिंह, मुझे नहीं पता कि वो नाराज है, वो छोटी सी बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर भारी सियासत। राणे के बाल ठाकरे स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद शिव सैनिकों ने दूध और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR। आयोजकों के खिलाफ कुल 7 FIR दर्ज। शुद्धिकरण पर नारायण राणे के शिवसेना पर पलटवार। पूछा, मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं तन कर खड़े हो जाते हैं उद्धव ठाकरे। जम्मू कश्मीर के अमंतीपोरा में एनकाउंटर पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को किया ढेर। कुलगाम में आतंकियों ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की गोली मारकर हत्या की। आतंकी की तलाश जारी। असम राइफल्स की लोंगले बटालियन ने मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा के पास हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। 3 पिस्टल, 174 कारतूस, 3 किलो विस्फोटक, 9 डिटोनेटर और मोबाइल फोन के साथ ही IED बरामद। NIA ने अमृतसर में ड्रोन से विस्फोटक गिराने के केस को अपने हाथ में लिया। टिफिन में मिले थे विस्फोटक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की रिहाई का आदेश दिया। गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज। राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। ट्वीट कर दिया ट्रिब्यूट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी यूपी सरकार। राजीव गांधी की जयंती पर फैसला लिया। CBI ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बनाई 4 FIT। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल CBI को सौंपी थी हिंसा की रिपोर्ट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत और बिगड़ी। लखनऊ के PGI में वेंटिलेटर पर हैं कल्याण सिंह। डॉक्टर्स के मुताबिक किया जा रहा है डायलिसिस। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए बने 3 सदस्यों के आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। कहा पुलिस के दावे और सबूत में अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार। बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था 3 तलाक का मामला। कटक के सांसद भर्तृहरि मेहताब की बहू ने पुलिस में की शिकायत। पति और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा उम्मीद करता हूं कि 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन ले। OBC बिल बना कानून। राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। अब राज्यों को अपनी OBC सूची तैयार करने का अधिकार। 16 महीने बाद कल से रात में हो सकेगा ताजमहल का दीदार। प्रशासन ने इस महीने सप्ताह में 3 दिन 150 लोगों को एंट्री की इजाजत दी। भारतीय सेना के जवानों ने किया गन ड्रिल का प्रदर्शन। सिक्किम में हुआ गन ड्रिल का प्रदर्शन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 एम्बुलेंस दान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडा दिखाकर एम्बुलेंस रवाना की। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 543 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 21,116 नए संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 197 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल के कलबुर्गी के बाजार में वर्मा लक्ष्मी पूजा का सामान लेने के लिए उमड़ी भीड़। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। कर्नाटक सरकार ने राज्य में गणेश चतुर्थी के पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगाई। कोरोना महामारी के चलते फैसला। यूपी के मुरादाबाद की जेल में 3,350 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 1,752 लोगों को लगी दूसरी डोज। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उमस से लोगों को राहत। यूपी के गैंगस्टर में शामिल SP का खौफ। गैंगस्टर ने किया सरेंडर। बोले मुझे भी जेल भेज दो। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने समयपुर बादली में फायर ब्रिगेड के जवानों से बदसलूकी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज।
भिवानी में एक शख्स को 304 लोगों ने दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया। बेखौफ बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और सर्विलांस एसओजी की टीम ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, दो गिरफ्तार, दो फरार। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में ड्यूटी करने के आदेश दिए। सीएसपी और एडिशनल एसपी को निगरानी रखने के निर्देश। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने जाली नोट छापने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद। मिजोरम में 2 अलग अलग जगह पर असम राइफल से विदेशी मूल के सिगरेट के 502 केसेस बरामद किए और जब्त सामान की कीमत है 6,52,00,000 रुपए। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कलेक्शन एजेंट से 15 लाख लूट कर पुलिस जांच में जुटी। कुल्लू में वैष्णव देवी मंदिर के पास एक बस में अचानक आग लगी, पार्किंग में बस खड़ी थी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने की सूरत के कारोबारियों का हुआ नुकसान, बुरके के लिए 400-500 करोड़ रुपए का कपड़ा जाता था अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में महिलाओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। अमेरिकी संसद के बाहर विस्फोटक से लदे हुए संदिग्ध ट्रक की खबर से मची सनसनी, दावा करने वाले शख्स ने किया सरेंडर। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, ट्रक की जांच जारी, आरोपी के घर की तलाशी। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पोलैंड की मारी आंद्रजेक ने अपना मेडल किया नीलाम, 8 महीने के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए की नीलामी। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल में बदलाव किया, अब 5 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की रिलीज का ऐलान, 7 अप्रैल 2023 को अमेरिका के सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने पंकज त्रिपाठी को दिया सम्मान, एक्टर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।